मंगलम, सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु साशिनम, जैनम जयतु साशिनम, जैनम जयतु साशिनम। नमो रंताडम, नमो सिद्धाडम, नमो आयिरियाडम, नमो वज्जायाडम, नमो लोये सव सागुडम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवंतों की देवादि देवी कजराज श्री श्री अंशनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, भव बंधु अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। बड़ा पावन प्रसंग है। भोपाल चातुर्मास 2014 में हुआ था और शायद उस समय वाक सेवनियन नहीं आए थे और भगवान जब पहुंचते हैं तो पीछे से भगवान के भक्त भी पहुंच जाते हैं और प्रथम दर्शन ऐसे दिव्य प्रतिमा के होंगे ये सोचा नहीं था। आजकल ट्रेंड है, बोले भगवान मंदिर बनाना है कौन सा, बोले मुनि सुब्रतनाथ, शांतिनाथ, आदिनाथ, ये वाक सेवनिया वाले कहते हैं। हम भगवान को पूछते हैं, भगवान के चिन्ह को नहीं पूछते। 24 तीर्थंकर हो किन्हीं भी तीर्थंकर में गुणों की किसी में कमी नहीं है, केवल नाम का परिवर्तन है। और उस नाम के परिवर्तन में कितने बड़े भावों का परिवर्तन कर लेते हो। पुण्य पाप की महिमा समझ लेना। शुभ द्रव्य क्षेत्र काल भाव, शुभ पर्याय उसे ही मिलती है जिसके पुण्य का उदय हो, और अशुभ द्रव्य क्षेत्र काल भाव उसे ही मिलता है जिसके पाप का उदय हो। जो जो आपको प्राप्ति हो रही है अच्छी वस्तु की, सब पुण्य के उदय से, और जो जो आपके साथ अशुभ हो रहा है पाप के उदय से, उसमें किसी व्यक्ति का कुछ लेना देना नहीं है। व्यक्ति बहिरंग निमित्त है, अंतरंग निमित्त यानी उपादान आपका ही कर्म है। किसी ने भगवान रखे, किसी ने वेदी रखी, किसी ने नींव भरी होगी। सोचते जाना ध्यान से, किसी ने नींव भरी होगी तो उसने उसने उतने हिस्से का पुण्य कमाया है। कोई पात्र बन रहा है तो उसने अपने हिसाब से विशेष पुण्य कमाया। सौधर्मेंद्र जी देखो, वाग सेवनिया का पहला पंचगणक है और जब तक यहाँ दूसरा नहीं होगा तब तक सौधर्मेंद्र तुम ही कहलाओगे। भगवान पारसनाथ स्वामी के शासन में भगवान महावीर स्वामी को निर्वाण हुआ था, पता आप लोग नहीं? पता। भगवान
पारसनाथ स्वामी के शासन में भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान हुआ था। भगवान महावीर स्वामी का जन्म भगवान पारसनाथ के शासन में हुआ था। भगवान का शासन तब प्रारंभ होता है जब उनकी दिव्य देशना खिलती है। देखो क्या पुण्य, उन जीवों का पुण्य देखना जिन्होंने पारसनाथ स्वामी और महावीर स्वामी दोनों के दर्शन किए होंगे। ये सारी महिमा पुण्य की है। मनुष्य पर्याय मिल गई और कहीं म्लेच्छ खंड में जन्म ले लिया तो पर्याय व्यर्थ हो गई। धन कमा लिया और कहीं अनर्गल प्रवृत्ति में लग गया, धन कमाना व्यर्थ हो गया। कभी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ कि रोटी बनाई हो और जल गई हो, कोई चीज बनाई हो जल गई हो, कड़ी लग गई हो, या बुंदेलखंडी है कि नहीं? हाओ 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 है, बिलात है, बिंड की भाषा बोलो तो नेक नैया हो भैया बिंडो। कभी जब माँ आपने रोटी बनाई या कोई वस्तु बनाई हो जो जल गई हो, हुआ ऐसा? आप ऐसा कह देते हो कि मैंने दूध रखा था, तुमसे कहा था कि देखना, गलती किसकी है? वो जिसने नहीं देखा गलती उसकी है, जबकि गलती किसकी है? आपको अपनी जिम्मेदारी से काम करना था। दोष किसी और का है, हम दोष किसी और को दे रहे हैं। दोष हमारा ही है, हम दूसरे को दे रहे हैं। अच्छा, पुण्य और पाप जो आपके साथ हो रहा है, ये आपका किया हो रहा है कि दूसरे का? बताओ भाई पलाश, बोल बेटा, अपने के द्वारा अपना हो रहा कि दूसरे के द्वारा? तुमने भोजन किया कभी, नाश्ता किया कभी, दूध तो पिया होगा? आप पीते हो ना तो माँ का पेट भरता है कि पिताजी का? बताओ बेटा, तुम पीते हो तो पापा का पेट भरता है? अच्छा, वो दोनों पीते तो तुम्हारा भरता है? बेटा जो भोजन करेगा पेट तो उसका ही भरेगा ना, जो जैसा कर्म करेगा उदय उसको वैसा ही मिलेगा। ये जान करके पुण्य पाप की महिमा पहचान लो। अभी देखो हम जहां बैठे हैं, पीछे भगवान हैं, अप्रतिष्ठित हैं, और अभी 31 तारीख के बाद यही लोग बोलेंगे भैया पीठ नहीं दिखाओ, किनारे हटो, भगवान को पीठ मत दिखाओ। आपको भी पता है अभी संस्कार रहित है। नितिन पंडित जी, जिस दिन संस्कार सहित हो जाएगी उस दिन सब पुण्य पाप दिखने लगेगा। आपकी आत्मा अभी जिनवाणी के संस्कार से रहित है, इसलिए पुण्य पाप की महिमा समझ नहीं आ रही। जिस दिन जिनवाणी के संस्कार हो जाएंगे पुण्य पाप की महिमा समझ में आएगी। भैया सीके कि चंद्र कुमार है, सीके भैया शॉर्टकट का जमाना है, फिर आप बोलोगे एडी यानी आदिनाथ, एजी यानी अजित नाथ। आपका वाला एजी नहीं, वो तो कुछ और ही है। पता आप लोगों को एजी कितने लोगों को बोला जाता है? है? नहीं बोला जाता। इतना सुंदर तुम्हारे पिताजी ने नाम रखा, कैसे पाप कर्म का उदय है, तुम्हारा नाम भी ढंग से नहीं लिया जाता। और ले आओ चंद्र कुमार भाई। अरे नाम लंबा किसने कहा नहीं बोलते? भगवान चंद्रनाथ बोलते कि नहीं? मुनि सुब्रतनाथ बोलते कि नहीं? अरे तुम अपनी गरिमा बढ़ा लो, सब पूरा नाम लेंगे, फिर नरेंद्र दामोदर मोदी भी कहेंगे। समझो, आपने पुण्य पाप की महिमा ही नहीं समझी। मां
आपका भी कैसा विचित्र कर्म का उदय है। बुरा नहीं मानना, सच्चाई बताते हैं। पैदा होते ही पिताजी कह देते हैं पराई है, और यहां आए हो दूसरे के घर में तो अपना कभी माना नहीं जाता, तो हुए किसके? फिर आप हुए किसके? दोष किसी को मत देना, दोष अपना ही मान के चलना कि मेरा ही ऐसा कर्म का उदय है, तब तो आप सुखी होगे। जहां अपन ने दूसरे को दोष दिया वहीं नया कर्म बंध गया। कर्म बंध की प्रक्रिया कृष्ण के बारे में सुना है, राम के बारे में सुना है, सीता के बारे में सुना है, महावीर स्वामी के बारे में भी सुना है। सारा खेल पुण्य पाप का है। जिसने जितना अधिक पुण्य का पुरुषार्थ किया उसको उतना अधिक मिलेगा। आप लोगों ने सोचा था कभी आज से 10 साल पहले जो यहां रहते हो उन्होंने कभी सोचा था कि यहां मंदिर बनेगा? लेकिन जब भव्यों के पुण्य एक साथ इकट्ठे होते हैं तब मंदिर का निर्माण होता है। छोटी बात नहीं है मकान बनाना और फिर अच्छा मिल जाए तो बेच देना, सामान्य है, सामान्य है। नरेंद्र जी है क्या? टोंगे जी गए? टोंगिया जी आप एक बहुत सुंदर घर बनवाना, ठीक है, और लगाना 2 करोड़ रुपए उसमें, लेकिन अगर कोई आपसे 20 करोड़ का मांग ले फिर क्या करोगे? नहीं दोगे? दे दोगे? और कहीं आपने 2 करोड़ का मंदिर बनवाया, कोई 100 करोड़ का मांगेगा तो दे दोगे? क्योंकि उसमें आप रहते हो तो बेच दोगे, जिसमें हमारी श्रद्धा रहती है उसको हम नहीं बेच सकते। घर बनवाए सुंदर सुंदर, अब मंदिर भी बनवाओ सुंदर सुंदर। भैया महावीर स्वामी का कैसा पाप कर्म का उदय? बोले भगवान महावीर स्वामी? हाँ, महावीर स्वामी भगवान के जीव का कितना पाप कर्म का उदय, स्वयं भगवान ऋषभ देव समझा रहे, तुम माना नहीं, माना नहीं। दोष किसका है इसमें? बोलो दोष किसका है? भगवान आदिनाथ का, उनके जीव के पाप कर्म के उदय का दोष है। देखते जाना कृष्ण को, देखो कृष्ण को, एक तीर से लगत कृष्ण की। बहुत अच्छे प्रवचन पंडित जी, जरूरत ही नहीं आपको करने की, सब ज्ञानी है। जिसने चक्र से जरासंध को भेद दिया हो, अपने पैरों के आघात से द्वारिका के बड़े बड़े सोने के परकोटे बने थे, एक पैर से खोद दिया, तोड़ दिया, कोटी शिला छिंगली से उठा ली हो, देख लो भैया, गोवर्धन पर्वत अपनी अंगुली से उठाने वाला एक तीर से मरण को प्राप्त हो गया, क्या कर्म का उदय है। जब पाप का उदय आता है तो वो कुछ नहीं देखता, और जब पुण्य का उदय आता है तो वो भी कुछ नहीं देखता। कर्म के आगे किसी की नहीं चलती, सुन ले भाई शुभम, बेटा कर्म के आगे किसी की नहीं चलती। तुम्हारे इष्ट का वियोग हुआ हो अथवा अनिष्ट का संयोग हुआ हो, सब कुछ कर्म का उदय। हम अच्छा बुरा व्यक्ति को कहते हैं, जबकि अच्छा बुरा व्यक्ति नहीं है, हमारे ही कर्म है। भैया टीकमगढ़ सुन रहे कि नहीं? आप गोरे हो और आपके पड़ोसी गेहूं रंग के, ऐसा क्यों बताओ? लेकिन आपके बाल नहीं है, उनके हैं, बताओ क्यों? ये सारा खेल कर्म का है। आप बोल सकते हो महाराज जी झर गए, किसी ने खींचे क्या?
बेटा पलाश, जितने मित्र हैं सबसे एक बात कह देना, जितने अच्छे कर्म करोगे उतना अच्छा फल मिलेगा। एक किसान, भोपाल का एक अच्छा किसान गौरव, गया और बढ़िया उसने खेत में बीज बोए, और जब वृक्ष बड़ा हो गया तो सिर पटक रहा था। बोले क्यों? बोले तो बबूल का है। भैया तुझको आम के फल की चाह है तो बीज भी आम के फल का हो, तुम्हें तीर्थंकर बनने की चाह है बीज भी पंच कल्याण के तीर्थंकर का। कितने लोगों की इच्छा है कि महाराज जी अंतिम समय तक उस पंच कल्याण की झलकियां ही आंख में चलती रहे, सबकी इच्छा है। अच्छा एक बात बताओ, अभी नई नई शादी किसकी हुई है? कोई एक आता है जिसकी साल भर में हुई हो? चलो एक मिला। साल भर वाले कितने हैं? एक, दो, तीन, चार, और कोई है नहीं? शर्माने वाली बात है, जब जब तुम घोड़ी पे बैठे थे गधे बन के, अब क्या शर्माना? और क्या, आपको याद है घोड़ी में जब बैठे थे कटार दी गई थी? कटार क्यों दी गई थी बता भाई, कटार क्यों दी गई थी बता है? वो तो शादी में ऐसा होता है, और जो सौदर्म इंद्र पहली बार बनता हो, जो जो बोले सो करते जाओ, पता ही नहीं है पहली बार हो रही है। भैया कटार इसलिए देते हैं, और घोड़े पे नहीं बैठाते, किस पे बैठाते? कि देख अभी बैंड बजेगा तेरा और घोड़ी मचलेगी, कटार तेरे हाथ में तो कुछ नहीं कर पाएगा। देखो कितने ज्ञानी हैं, अपने ऊपर ताली बजा रहे हैं। अध्यक्ष जी शादी का दिन याद है? अभी तक गुदगुदी हो रही है। शादी का दिन याद है, लेकिन ध्यान रखना, शादी का दिन याद रहा तो समाधि नहीं हो पाएगी। पंच कल्याण का एक एक क्षण याद रहा, अच्छी समाधि होगी। ये मत सोचना कि पंच कल्याण भीड़ के लिए है, पंच कल्याण सिर्फ भगवान के लिए है। एक बात ध्यान रखना, पंच कल्याण में ऐसी स्मृति बनाना, विशुद्धि की ऐसी स्मृति बनाना कि सो तो पंचकर्ण दिखे और जागो सो पंचकर्ण दिखे, जियो सो पंचकर्ण दिखे, और जब मरो तो पंच कल्याण आंख में दिखे। माँ अच्छे से जब भगवान का लेपन करो ना, तीर्थंकर बालक का खूब अच्छे से करना, काजल लगाना तो खूब अच्छे से लगाना। क्यों? तीर्थंकर भगवान को स्पर्श करने की जो अनुभूति है वो दुनिया में किसी वस्तु को स्पर्श करने से नहीं मिलती। कोई इंदौर गया आप लोगों में से कभी? अभी पिछले एक दो महीने में नहीं गए? भैया अब इंदौर जाओ अगर ना, तो एक बार भगवान शांतिनाथ स्वामी का स्पर्श करके आना, वो जो स्फटिक की मूर्ति रखी ना भैया, एक बार स्पर्श करोगे ना आप जीवन में भूल ही नहीं पाओगे। ओहो ये स्पर्श होता है। अब पूर्वाचार्यों ने कहा है कि जो साक्षात तीर्थंकर बालक को, तीर्थंकर मुनि को, तीर्थंकर केवली को स्पर्श कर लेता है, अधिक से अधिक उसके तीन भाव शेष। कितने? तो भगवान के साथ जो खेले होंगे वो भी तीन भाव शेष। जिस पालन पालने वाली माँ ने, दाए माँ ने गोद में खिलाया होगा, जिसने मालिश की होगी, तीन भाव शेष। जिस माँ ने तीर्थंकर बालक को तैयार किया होगा, क्या सौभाग्यशाली माँ है। उन बच्चों को तो कई बार तैयार किया जिनकी नाक बह रही है, तीर्थंकर बालक हो क्या स्पर्श होता होगा। माँ वो जो स्मृति है वो नहीं भूलना। आप लोगों में से कितने लोग पंचगणक में नहीं बैठोगे? सब बैठेंगे, कोई ना कोई पात्र तो बनेंगे।
ध्यान रखना, पुण्य का संग्रह ऊपर नीचे अकेले बैठने से नहीं होता, पुण्य का संग्रह विशुद्धि से भी होता है। बोलो सौदर्मिन जी, कभी और किसी विधान में तो बैठे होंगे, कोई और विधान में कभी नहीं बैठे? सिद्ध चक्र भक्ता अमर बैठे ना, ऊपर बैठे कि नीचे बैठे? कभी नीचे बैठ के विधान किया नहीं किया? नीचे मतलब सामान्य इंद्र बन के। अपने आप में विचार करना, मोक्ष जाने के लिए दीक्षा कब ली है ये महत्वपूर्ण नहीं है, कितनी विशुद्धि से ली है ये महत्वपूर्ण है। अब आप जब पंच कल्याणक में बैठो, एक एक क्षण की स्मृति रखना नितिन, प्रत्येक जितने भी कार्य करता हूं पंडित जी सबसे बोलना, जब विधि की बारी हो तब आप किसी को जाने मत देना, रोक लेना, लेकिन जब विधि ना हो घर जैसी शादी लगना चाहिए ये बाघ सेवनिया का पंच कल्याणक। जब जिसको भगवान के दर्शन करना हो मना कुछ ना, तब देखना क्या आनंद आता है। माँ अच्छे से छू लेना, फिर वो स्पर्श की अनुभूति नहीं मिलेगी। अरे आप लोग कहीं बाहर जाओ होटल खाने के लिए तो बड़े चाव से खाते हो, क्यों? अरे कोई बिहार पटना यूपी तरफ जाए तो वहां लिट्टी चोखा खाता है, पता कि नहीं? भिंड जाओ तो केसर के पेड़े, कलाकंद। अरे जहां आगरा जाओ तो क्या खाते हैं? पेठा। जबलपुर जाओ सो जलेबी। सुनो तो, जब आप बाहर जाते हो इंद्रिय सुख के लिए या कहीं घूमने जाते हो तो एक एक चीज देखते हो, फिर देखने मिली ना मिली, ऐसे ही पंच कल्याणक भगवान के ऐसे मनाना, फिर पर्याय अच्छी मिली ना मिली। कुछ लोग तो पंच कल्याणक के लिए रुके हैं, बस पंच कल्याणक हो जाए फिर अपनी पर्याय अच्छी तर जाए। ये पुण्य पाप की महिमा है। भगवान शांतिनाथ हो चाहे श्री अंशनाथ हो, नाम का अंतर है, गुणों में कोई अंतर नहीं। डॉक्टर साहब भगवान कैसे लग रहे हैं आपको? क्या लग रहा है? चिरगांव में भी ऐसे ही बन जाए? अरे मंदिर मंदिर, घर घर नहीं, घट घट ऐसे भगवान बस जाए। पुण्य पाप की महिमा समझना। अपन आगे और चर्चा करेंगे, अब तो कहीं है ही नहीं, अपन बाघ सेवन ही तो है। पिछली बार ये आपकी पूरी कमेटी कह रही थी महाराज जी एक दिन के लिए चलो, एक घंटे के लिए चलो, हमने कभी धैर्य रखो, अच्छे से आएंगे, लंबे समय के लिए आएंगे। भगवान की मूर्ति देखते ही पूरा श्रम खत्म। जब माल कच्चा है तो इतनी सुगंध है, पकेगा तो कितनी सुगंध आएगी। मेरे हिसाब से भोपाल में ऐसी प्रतिमा तो अभी तक हमने नहीं देखी। भैया जिन्होंने अपनी बुद्धि से बनवाई है उनका ही पुण्य है। कहीं सुनो बोले कि रहने दें, रहने दें, बोल दें। कहीं अगर तुम गलत व्यक्ति के हाथ में लग जाते तो भगवान भी सुंदर नहीं मिलते और पैसे भी चले जाते। सत्य बता रहा हूं। अब अपन और चर्चा करेंगे क्रम क्रम से, धीरे धीरे। विशुद्धि अगर आपकी जारी है, पुण्य बहुत सारा जारी है। माँ जितनी जिसकी अधिक विशुद्धि है उसकी उतनी अधिक निर्जरा है, उतना अधिक पुण्य है। बिल्कुल चेहरा प्रसन्न हो। कई कई लोगों का चेहरा ऐसा होता है बिल्कुल कि पुद्गल परमाणु भी सोचते होंगे कहां मैं फंस गया, चेहरा ही उदास रहता है। अगर उसको करोड़ों का फायदा हो जाए तो मालूम क्या बोलते हैं, आज अच्छी डील हुई है, 1 करोड़ का फायदा हुआ है। आदमी को लग रहा फायदा हुआ कि नुकसान? जब फायदे में ऐसा चेहरा है तो नुकसान में कैसा होगा? नरेंद्र जी एकदम प्रसन्न मुख होना चाहिए व्यक्ति को।
आपको देख करके और भी लोग प्रसन्न हो जाएं, तब तो बात है, तब तो बात है। देखो अच्छा, आप महाराजों को देखो, धूप में चल के आए कि नहीं? नहीं आए। आहार कब किए थे? कल किए थे ना, कल भी चले थे, आज भी चले, थकते कि नहीं? ध्यान रखना, मन नहीं थकना चाहिए, शरीर थक जाए। भगवान की चेहरा देखो आप, क्या प्रसन्न मुद्रा है, है? भगवान का चेहरा देखो, क्या प्रसन्न मुद्रा है। ऐसे ही चेहरा रखना है, प्रमुदित, उदास नहीं होना, प्रसन्न रहना। जितना आप प्रसन्न रहोगे उतना अच्छा होगा, उतनी विशुद्धि बढ़ेगी और उतनी जल्दी आपको सिद्धत्व की सिद्धि होगी। माइक भी शेष अपन आगे विचार करेंगे, समय वैसे ही हो गया है। आप सभी विशुद्धि को अपने अनंत गुनी बढ़ाएं। कल अपन चर्चा करेंगे विशेष कि दरिद्री कौन है, और चिंटू बेटा दरिद्री कौन है, और सबसे दुनिया का छोटा व्यक्ति कौन है। इन दो व्यक्तियों की चर्चा अपन कल करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की।